गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में समाज राजनीति और लेखक विषय पर प्रोफेसर राजेंद्र कुमार का व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदी विभाग के प्रोफेसर रामदर्श राय, डॉक्टर चितरंजन, प्रोफेसर अनिल राय सहित अन्य शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस अवसर पर आयोजकों द्वारा प्रोफेसर राजेंद्र कुमार को बुके और अंग वस्त्र देकर स्वागत किया गया। अपने संबोधन में प्रोफेसर राजेंद्र कुमार ने समाज राजनीति और लेखक विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। बड़ी गोष्ठी में भाग लेने के लिए गए थे और उसी के क्रम में उनसे चर्चा हुई और उन्होंने गोरखपुर आने का अपना कार्यक्रम बनाया। इतनी गर्मी जिसने इस तरह त्रस्त कर रखा है कि बाहर से ही नहीं हम अपने अंदर जो भावनात्मक रूप में या जो वैचारिक रूप में अनुभव करते हैं उसको भी कह पाना कई बार संभव नहीं हो पाता। तो जरूरत तो ऐसे समय में आपसे बात कर रहा हूँ और जो शब्द हैं ये तीन तीन शब्द की जानपद समाज लेखक और राजनीति, देखिए हमारा समय जो है वो केवल राजनीतिक तौर पर ही गमन का समय नहीं, बल्कि जो भाषा हमको मिली है आप सब यहाँ हिंदी के विद्यार्थी बच्चों जिस भाषा से हम बड़े गर्व के साथ जुड़े रहने का अनुभव करते हैं उस भाषा में शब्दों का अपहरण हो रहा है। शब्दों के अर्थ अब आप देख रहे हैं वहाँ इस बार जो ये माहौल बना है इसमें आप सबको अपने अपने अधिकारों का प्रयोग करना है। उसमें एक अजीब बात देखने में आ रही है कि शब्दों के साथ जब हम जो कुछ व्यक्त करते हैं भाषा में करते हैं और कुछ शब्द हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण शब्द थे जिनमें कभी नहीं चाहा था हमने कि हमारी निष्ठा डिले, हम यही कामना की कि कम से कम भाषा जिस भाषा में हम अपने समाज से मुखातिब हो सकते हैं उस भाषा की ताकत हमारे साथ बनी रहे और हम उस भाषा के प्रति निष्ठावान बने, शब्दों का वही अर्थ निकले जो निकलना चाहिए, शब्दों के अर्थ तक खींच कर अपने 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 हित में जिस तरह शब्दों को खोखला किया गया तो ऐसे समय में क्योंकि लेखक क्योंकि लेखक शब्द को बहुत बाद कर हम जब अपने साहित्य के विद्यार्थी के रूप में अपने को देखते हैं जितनी परंपरा को देखते हैं पहले कवि रचयिता दृष्टा वगैरह शब्द हुआ करते हैं और तब जब वो कागज वगैरह आ गया जब पहले आप जानते हैं पहले पुराने समय में पत्तों पर लिखा जाता उस गंदी हुए कागज का समय आया तो पहले क्या होता था कि कवि ही लिखता था, सोचता था, अनुभव करता था और वही लिखता था। बाद में एक समय आया जब मुद्रण यंत्र आए तो छपाखाना किताबें छपने तो अब किताब तो छप कर आ गई है ना, हाथ से लिखी तो है ना, तो फिर उसके लिए किसने क्योंकि तो किताब छपे रूप में तो प्रेस से आई है तो लिखी किसने, तो फिर एक लेखक
चलता लिखने वाला ये किताब है, छपी है अमुक जगह से, प्रकाशक है अमुक, लेकिन लिखने वाला है। तो लिखने वाला लेखक, और जाहिर है कि और आप पढ़ते रहे हैं कि ये कामना लेखकों ने आज़ादी के आंदोलन में आज़ादी पाने से पहले राष्ट्रीय आंदोलनों में लेखकों का योग था, उसे आप परिचित होंगे।